हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आईटी सेक्टर के 8 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो 5 स्टॉक्स है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक रहेंगे एंड जो 3 स्टॉक है वो लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करने वाले रहेंगे। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इन पर्टिकुलर आईटी बास्केट एंड ऐसे स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी वाले जो काफ़ी शानदार ग्रोथ का रनवे उनके लिए काफ़ी विजिबल दिखता है एंड वो अपने ही फील्ड में एक मार्केट लीडर के रूप में भी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो ये ऐसी कंपनीज है जो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती हैं एंड पिछले 1.5 से 2 साल के बीच में आईटी सेक्टर से उतने खास रिटर्न नहीं आए हैं। तो अभी एक काफ़ी अच्छी पोजीशंस है कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से इन पर्टिकुलर लेवल्स पे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो वो है FL इंडिया का स्टॉक, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में मोबाइल से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में काम करने वाली कंपनी है एंड अगस्त 2019 में लिस्टिंग के बाद से इस स्टॉक ने 562% के रिटर्न दिए हैं, जिसको अगर CAGR बेसिस पे कैलकुलेट किया जाए तो 60% CAGR के अकॉर्डिंग रिटर्न दिए हैं इस स्टॉक ने अपनी लिस्टिंग के बाद से। करंटली पिछले अराउंड 2.5 साल से भी ज़्यादा समय से ये स्टॉक एक सेम रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 मार्च 2021 को ये 1175 की रेट पे था एंड करंटली भी 1100 की रेंज में के अंदर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। 14,000 करोड़ मार्केट कैप की एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड अगर इसके कुछ रेशियोज़ देखे जाएँ तो ये 58 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो 58 का पी ज़्यादा होता है अगर आप वैसे देखें तो, लेकिन ये जिस तरीके का काम करती है यानी कि डिजिटल से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट का, तो उस केस में इनकी ग्रोथ भी काफ़ी शानदार रहती है। पिछले 3 सालों से इनकी सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो 62% CAGR से ग्रो करी है, लेकिन पिछले 2.5 साल से स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो प्रॉफिट जो है पिछले 3 सालों में 55% CAGR से ग्रो किया है। वहीं अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो अराउंड 60% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास नज़र आती है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो वो है CE इन्फो सिस्टम, जिसे आप मैप माई इंडिया के नाम से भी जानते हैं। मैप एज ए डिजिटल मैप एज ए सर्विस एंड डिफरेंट टाइप्स के मैप से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती है एंड इनके कस्टमर्स के नाम देखें तो वो भी काफ़ी शानदार नज़र आते हैं। इस स्टॉक ने अपनी लिस्टिंग के बाद से ओनली 20% के रिटर्न दिए हैं अभी तक। 24 दिसंबर 2021 को इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला एंड करंटली आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने में इस स्टॉक ने अराउंड 60-70% के रिटर्न दिए हैं, बट करंटली भी ये स्टॉक अपने जो लिस्टिंग हुई थी वहाँ से ज़्यादा रिटर्न नज़र नहीं आते हैं। अराउंड 10,000 करोड़ से नीचे के मार्केट कैप की कंपनी है, जो कि स्मॉल कैप स्पेस से बिलोंग करती है एंड इस स्टॉक का भी ग्रोथ का रनवे काफ़ी शानदार नज़र आता है। पी की बात करें तो 79 का पी है, वैसे पी देखने को ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे तो वो भी इसके तुलना में ज़्यादा नज़र आएगी एंड अगर इसके खुद के मीडियन पी से तुलना करेंगे तो करंट का जो पी है वो कम ही नज़र आएगा। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 19.5% का है, प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 72% की है एंड प्रमोटर की होल्डिंग भी 50% से ज़्यादा की नज़र आती है। थर्ड स्टॉक की बात करें तो इसका नाम है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना। पिछले 5 साल के रिटर्न देखें तो 142% के रिटर्न दिए हैं। करंटली ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 30% के डिस्काउंट पे करंटली मिल रहा है। 10,000 करोड़ से नीचे के मार्केट कैप की एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि फाइनेंसिंग एंड बैंकिंग सेक्टर में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। इसके पीई की बात करें तो 31 के पीई पे अवेलेबल है। सेल्स ग्रोथ 18.3% की है, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में 271% CAGR से इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। प्रमोटर की होल्डिंग 30% है, जो कि थोड़ी कम नज़र आती है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करने वाली सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली ये कंपनी है। करंटली अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 39% के डिस्काउंट पे करंटली अवेलेबल है। 18 सितंबर 2020 को अपने लिस्टिंग के बाद से एब्सोल्यूट बेसिस पे 156% के रिटर्न दिए हैं एंड CAGR बेसिस पे देखे जाए तो 36.80% के रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिए हैं। 13,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। ये कंपनी भी करंट लेवल पे काफ़ी शानदार लेवल पे नज़र आती है अगर आप इसमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखना चाहते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एंड इसी तरीके के सभी डिजिटल काम, जो कि एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी माने जाते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के काम करने वाली कंपनी है। साथ ही साथ इनका जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड है। पी की बात करें तो ये करंटली 63 के पी पे नज़र आती है, जो कि इसके मीडियन पी से कम है। 3 साल की सेल्स ग्रोथ का CAGR परसेंटेज देखा जाए तो 24% का है
एंड प्रॉफिट ग्रोथ का 3 साल का CAGR देखा जाए तो वो 36% का है। शानदार तरीके से अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट को ग्रो कर रही है ये कंपनी एंड नए नए ऑफिस भी इस्टेब्लिश कर रही है, जैसे कि रिसेंटली इन्होंने भुवनेश्वरा में अपना ऑफिस को इस्टेब्लिश किया है, जो 2023 की एनुअल रिपोर्ट है उससे आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अपने नोएडा के ऑफिस को भी बढ़ाया है, साथ ही साथ बेंगलोर में भी एक काफ़ी अच्छी जगह पे अपने जो ऑफिस को इन्होंने ऑफिस के स्पेस को इंक्रीज़ किया है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो अराउंड 53% की है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है रूट मोबाइल। ये क्लाउड के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, साथ ही साथ मोबाइल के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड मैसेजिंग है उससे काम करने वाली कंपनी है। 25 सितंबर 2020 को लिस्ट होने के बाद से इसने 68% के रिटर्न दिए हैं, अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 30% के करेक्शन पे अवेलेबल है। ये भी 10,000 करोड़ से नीचे के मार्केट कैप की कंपनी है, जिसके अंदर ग्रोथ की काफ़ी अच्छी संभावनाएँ नज़र आती है। पी की बात करूँ तो 28 के पी पे ये स्टॉक अवेलेबल है। सेल्स ग्रोथ 55% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 66% की है। ये सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर के CAGR परसेंटेज है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 58% की प्रमोटर होल्डिंग है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस एंड TCS, बट इनमें भी एक शानदार डेटा है वो मैं आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा। तीनों ही स्टॉक की बात करें तो करंट लेवल पे जो HCL टेक्नोलॉजीज का स्टॉक है वो काफ़ी शानदार नज़र आता है। इसका रीज़न ये है कि ये तीनों के ही आप अगर ग्राफ देखेंगे तो जो HCL टेक्नोलॉजी है इन दोनों ही स्टॉक्स से कम मार्केट कैप की कंपनी है, यानी कि अगर इन्फोसिस के मार्केट कैप की बात करें तो वो अराउंड 6.2 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। वहीं TCS 13 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, जबकि HCL जो है 3.45 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। जो बढ़त दिखाई है अपने लोअर लेवल से, एक सेम टाइप का ग्राफ बनता हुआ नज़र आ रहा था कि अपने अक्टूबर नवंबर 2021 का जो हाई था उसके बाद ये स्टॉक नीचे आए थे। तीनों ही स्टॉक में आप इसी तरीके का पैटर्न देख सकते हैं, लेकिन वापस जो ग्रोथ दिखाई है अपसाइड की तरफ वो HCL टेक्नोलॉजीज ने दिखाई है। लार्ज साइज की कंपनी जो कि सबसे तेज ग्रो कर रही है उनमें HCL टेक्नोलॉजीज का नाम आता है, साथ ही साथ 3.76% का डिविडेंड भी देती है। पिछले 5 सालों में 137% के रिटर्न दिए हैं, जो कि इन्फोसिस एंड TCS दोनों से ही ज़्यादा नज़र आते हैं। इन्फोसिस की अगर बात करें तो इन्फोसिस करंटली अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 16% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है स्टिल, एंड TCS करंटली 10% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तीनों के पीई की बात करें तो HCL 22.9 के पीई पे अवेलेबल है, इन्फोसिस जो है 25.2 के पीई पे अवेलेबल है एंड TCS जो है अराउंड 30 के पीई पे अवेलेबल है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो जो HCL है वो फेयरली प्राइस नज़र आता है, देन इन्फोसिस, देन TCS। तो आप इन तीनों के स्टॉक्स के अंदर देख सकते हैं। एंड अगर डिविडेंड यील्ड की भी बात करें तो 3.76% का HCL टेक्नोलॉजीज डिविडेंड देती है, इन्फोसिस जो है 2.27% का डिविडेंड दे रही है एंड TCS जो है 1.35% का डिविडेंड दे रही है। तो डिविडेंड के मामले में भी HCL टेक्नोलॉजीज फेयरली फेयर लगती है तीनों ही कंपनीज में, एंड रिटर्न के मामले में भी पिछले 5 साल का डेटा देखें, भले ही पिछले 2 साल का या 3 साल का डेटा देखें, तो HCL टेक्नोलॉजी ज़्यादा ठीक नज़र आती है। अब अगर HCL टेक्नोलॉजीज के पी की बात करें तो 22.9 का है। सेल्स ग्रोथ इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी डबल डिजिट में नज़र आती है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 10.2% की है, एंड प्रॉफिट जो प्रमोटर होल्डिंग है उसकी बात करें तो 60.82% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास नज़र आती है। तो ये थे 8 स्टॉक्स जिनको आप खुद का एनालिसिस करने के बाद बाय या सेल का डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।